जामे तिर्मिजी की हदीस है कि जिसमें ये इरशाद है कि अव्वल मन असलमा अली, इमाम अली मुकाम वो शख्सियत हैं कि जिन्होंने सबसे पहले इस्लाम की दावत पर बैठा है। फिर जब आप रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत पर लब्बैक कहने वाले अस्साबिकून अल अव्वलून में शामिल, तो इसके साथ साथ आपको एक और भी एजाज इस्लामी तारीख की इस तनाजुर में हासिल है, और वो है कि आपका रिश्ता रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ऐसा था कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महबूब तरीन साहिबजादी हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा आपकी अक्द निकाह थी, और ये निकाह एक आम निकाह की तरतीब पर मुनाकद नहीं हुआ, बल्कि इसके बारे में भी हमें अहादीस नबविया से जो मालूम हुआ है वो ये है कि ये निकाह हजरत अली रजी अल्लाह अन्हा इमाम अली मुकाम और हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा के दरमियान हुआ, तो ये वही इलाही से हुआ, और इसकी खुशियां और इसके जश्न आसमानों पर मनाया गया। हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद से रिवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे हुक्म दिया गया है कि हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा को हजरत अली रजी अल्लाह अन्हो के निकाह में दूं, अकद निकाह में दूं।